नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टेक्निकल पीजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ये इंफ्रारेड थर्मामीटर रिपेयर करना सिखाऊंगा, जो कि बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि मेनली डॉक्टर के पास देखा जाता है। तो इसमें ये जो बटन काम नहीं कर रहा दोस्तों, इसको हम रिपेयर करेंगे। और दोस्तों, इसे रिपेयर करने के साथ साथ इसे आप डिसअसेंबल करना भी सीख जाएंगे। तो ये वीडियो आपको मतलब का, तो वीडियो को फुल वॉच करिए, नहीं तो आप अपने रिश्तेदार या अपने भाई दोस्त में शेयर कर सकते हैं, जिसके मतलब का ये वीडियो है। और आप चाहें तो अपने नॉलेज के लिए इसे पूरा फुल वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, इसे कैसे खोलना है दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, बस आप देखते रहिए। इसमें कोई स्क्रू वगैरह नहीं लगा होता दोस्तों, बस जैसे इसको खोला जा रहा है वैसे इसे खोल सकते हैं। और इसमें दोस्तों सिंपल सा एक प्रॉब्लम है, जिससे हम अभी बड़े आसानी से रिपेयर कर देंगे। तो इसको आप देख लीजिए, आपके मतलब का वीडियो होगा दोस्तों, नहीं तो भविष्य में आपके काम आ सकता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको हम पावर ऑन करते हैं तो पावर ऑन होता है, लेकिन जो ये हमारा आगे बटन लगा हुआ है ओके दोस्तों, वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब उसको हम प्रेस करते हैं तो वहाँ से लेज़र निकलता है, ठीक है, इन्फ्रारेड निकलता है, जो कि बॉडी टेम्परेचर को फिर मेजर करके इसमें डिस्प्ले में शो करता है, ठीक है। तो उस बटन को रिपेयर करना है हमें, रिप्लेस करना है। तो कैसे रिप्लेस करना है दोस्तों, थोड़ा दोस्तों अगर आप नए हैं तो उसे रिपेयर नहीं कर पाएंगे बिना इस वीडियो को देखे हुए। इस वीडियो को देख लीजिए कैसे उसे रिपेयर करना है। देखिए, खुल जाता है बड़े आसानी से दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई स्क्रू वगैरह नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसे जो हमारा इस बोर्ड इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं कहीं स्क्रू लगा हुआ है, लेकिन उसको हमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ये सीधा हमारा बाहर निकल जाएगा। लेकिन एक स्क्रू इस साइड है जहाँ पे सेल लगता है, इसको हमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको सिर्फ यहाँ से एक स्क्रू को हम खोल लेंगे, उसके बाद ये हमारा जो है बाहर निकल जाएगा। उसके बाद कैसे इसमें बटन को रिप्लेस करना है मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं फटाफट इसे खोल लेता हूँ। दोस्तों, कोई ज़रूरत नहीं कि जो वीडियो आप देख रहे हैं वो तुरंत ही आपके किसी काम में आ जाए, इसलिए कुछ वीडियो को आप अपने नॉलेज के लिए भी देख सकते हैं, जो कि आपके भविष्य में काम आ सकता है ओके दोस्तों। और नहीं तो आपका अगर इससे कोई मतलब नहीं है तो आप किसी ना किसी को तो यह वीडियो शेयर कर सकते हैं, कोई ना कोई तो आपके रिलेशन में ऐसा होगा जिसको इस वीडियो से मतलब होगा, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ओके दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीच में बटन लगा हुआ है, इसको प्रेस करने से दोस्तों यहाँ पे जो इंफ्रारेड होता है निकलता है, तभी वो आपके बॉडी को टेम्परेचर को मेजर करके डिस्प्ले में शो करता है। तो ये बटन जो है ख़राब हो गया, इसको रिपेयर करना दोस्तों मेरे लिए तो बहुत आसान है, लेकिन नॉर्मल जो लोग हैं इसके बारे में नहीं जानते हैं, वो रिपेयर नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ये जो बटन होता है इसमें चार पॉइंट होते हैं, तो चार पॉइंट को सोल्डिंग आयरन की मदद से हटाना दोस्तों बहुत ही कठिन होता है। तो इसमें देख लीजिए, मैं सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगा, जिससे कि आप इसे बहुत ही आसानी से हटा पाएंगे। दोस्तों, करना क्या है आपको, सोल्डिंग आयरन जो लेना है, ठीक है, उसके पहले जो दोनों पॉइंट आगे दिख रहे हैं उन दोनों पे एकदम से गला देना है, ठीक है, दोनों पॉइंट पे एकदम गला कर दोनों पे इस पे दोस्तों से लेफ्ट राइट करते रहना है, जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है ओके दोस्तों। उसके बाद दोनों पॉइंट एक ही साथ जो है गर्म होंगे, उसके बाद आपको हाथ से उसे ऊपर खींचना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देख लीजिए, आप चाहें तो आयरन की मदद से इसे गर्म करके फिर थोड़ा थोड़ा इसे उभार सकते हैं इस प्रकार ओके दोस्तों। अगर ये देखिए, हाथ से उठाने पर ये ऊपर उठ रहा है, ठीक है। अगर एक पॉइंट करेंगे हम तो ये नहीं होगा, हमारा जो प्रिंट है वो प्रिंट मिस हो जाएगा। तो एक ही साथ हम किसी एक साइड का दोनों प्रिंट एक ही साथ उभारेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने वीडियो को जूम कर दिया है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, दोनों पॉइंट पे एक ही साथ हमारा सोल्डिंग आयरन जा रहा है, ठीक है। अब इसे ऊपर खींचते हैं तो इस प्रकार ये ऊपर आ जाएगा, ये दोनों पॉइंट हमारा यहाँ से छोड़ दिया ओके दोस्त। अभी दो पॉइंट हट गया, तो दो पॉइंट को आप इधर से बड़े आसानी से रिमूव कर सकते हो, ठीक वैसे ही इस पर करना है दोस्तों। अब सिर्फ दो ही जगह से, तो बड़े आसानी से आपका सोल्डिंग आयरन सब निकल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे चार पॉइंट रिमूव हो चुका है बड़े ही आसानी से ओके दोस्तों, कोई प्रिंट मिस नहीं हुआ है। और देखिए, ये जो ख़राब है इसका भी पिन वगैरह नहीं टूटा है, ये भी सेफ्टी से निकल गया है, ठीक है। तो उसका हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे यहाँ पे सिर्फ प्रिंट को बचाना था। तो ये काफ़ी अच्छे से हमारा जो रिमूव हो चुका है, यहाँ देख सकते हैं ओके दोस्तों। अब इसमें बटन किस तरह से लगाना है यह भी मैं आपको बताता हूँ। जो आपको बटन जो मार्केट में मिलेगा दोस्तों, उसमें सिर्फ दो ही पॉइंट होंगे दोस्तों। अगर यह बटन आपको मार्केट से नहीं मिल रहा, तो इसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है दोस्तों। करना क्या है दोस्तों, आपको कोई भी एयरफोन लेना है, ठीक है, एक एयरफोन लेना, सस्ते वाले, कोई सा भी सस्ता वाला एयरफोन लेना है। उसको जहाँ से आप फ़ोन आता है तो उठाते हो, रिसीव करते हो फ़ोन बटन दबाकर, उसको जब आप खोलोगे तो वहाँ पर जो बटन लगा होता है दोस्तों, वो यही बटन होता है। वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं और आसानी से अपने इस इंफ्रारेड थर्मामीटर में यूज कर सकते हैं ओके दोस्तों। अगर मार्केट से मिलता है तो मार्केट से ले लीजिए, नहीं तो आपको किसी एयरफोन से यह चीज़ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, जब आपने यहाँ तक देख लिया तो इसको लगाना भी सीख लीजिए कि कैसे इसे लगाना है, ठीक है। इसमें चार था, इसमें दो ही पॉइंट है, तो इसको किस तरह से हमें अपने जो है थर्मामीटर में यूज करना है यह मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए, आप इसके पिन को नीचे करके लगा सकते हैं ओके दोस्तों, ऊपर करके लगा सकते हैं ओके, लेकिन दोस्तों आप इस साइड करके नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट हो जाएगा, और ना ही इस साइड करके लगा सकते हैं, बस ऊपर नीचे किसी भी साइड में करके इसे लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसे आपके सामने लगा कर दिखा देता हूँ, उसके बाद इसे चेक करके भी दिखाऊंगा। चलिए मैं फटाफट सोल्डिंग इसका कर लेता हूँ।
तो कुछ इस पर देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे से हमने इसको सोल्डिंग कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की तरफ इसका पॉइंट करके लगाया है, ठीक है। ऊपर या नीचे आप किसी भी साइड करके लगा सकते हो, बस लेफ्ट राइट उसे नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे फटाफट रिसम्बल कर लेता हूँ। रिसम्बल करने के बाद बॉडी टेम्परेचर मेजर करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ हमने इसको दोबारा से रिसम्बल कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑन ऑफ तो हो ही रहा था। अब आगे देख लेते हैं इसका जो आगे बटन है प्रेस करने पे जो हमारा इंफ्रारेड निकलता है वो काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आगे वाला बटन ये है, ठीक है, इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इंफ्रारेड निकला, देखिए नीला नीला सा दिखाई दे रहा। अब इसने बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर बता रहा है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर। ओके दोस्तों, ये हमारा कम्प्लीट बन चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।